हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जिसको बोलते हैं एटॉमिक कोलिजन। क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक कोलिजन बोलते हैं। एटॉमिक कोलिजन में क्या होता है उसके बारे में देखो। क्या इलेक्ट्रॉन को दो तरह से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। एक तो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करो, इंसिडेंट कराओ किसी भी एटम पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी गेन करेगा और गेन करके क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दूसरा मेथड ये भी है कि बाय यूजिंग कोलिजन, हम कोलिजन क्या करें, कोलिजन करा करके हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि कोलिजन कैसे कराएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, या कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देखो, जनरली इसमें क्या पूछा जाता है कि आपसे दे दिया जाए कि नहीं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम ग्राउंड स्टेट में है, आइदर रेस्ट में और क्या है, मूव कर रहे हैं, कोई न्यूट्रॉन आया या अल्फा पार्टिकल्स जो क्या कर रहा है, उससे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कोलिजन का नेचर बताओ कि इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा और सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होगा, जब क्या होगा, उसको जितना एनर्जी उसको इतनी एनर्जी मिले कि वो ग्राउंड स्टेट से किसी अदर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाए, जंप हो जाए, जंप कर जाए। आइदर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकता है, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द कितना एनर्जी मिल रहा है उसको, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां एक चीज ध्यान रखना है कि इस कोलिजन में, जो एटॉमिक कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होता है, दैट एनर्जी लॉस इज क्या होगा, इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू एक्साइट द क्या होगा, एटम और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटम का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और जो कोलिजन में डिफॉर्मेशन होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, देखो क्या है कि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं क्या कि एटॉमिक कोलिजन है ना, इट इज क्या होगा, इट इज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो अब कोलिजन क्या होगा, पहला हम पढ़ेंगे कोलिजन विथ क्या होगा, कोलिजन ऑफ क्या होगा, एटम विथ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ कोलिजन होगा तो क्या होगा। देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें ध्यान रखना है कि एनर्जी जो लॉस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, एक्साइट करने के लिए क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां ये हाइड्रोजन है, एच एटम, ठीक है, क्या है, एच एटम है, बात समझ में आया। और यह ग्राउंड यहां मत दिखाओ आप, ये एच एटम है, इसका मास क्या है, एम है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन है और एच एटम कहां है, ग्राउंड स्टेट में, कहां है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, और क्या है, एट रेस्ट, एट क्या है, रेस्ट। ये न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन एम, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन जनरली इसमें क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन, मान लो कि न्यूट्रॉन जो है वो, इसका मास क्या है, m है, और एक किस वेलोसिटी से, v इनर्ट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जाकर के क्या करेगा,
कोलाइड करेगा, है ना, क्या होगा, कोलाइड करेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी जो है अभी क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कोलाइड करेगा तो कोलिजन क्या हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है और परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया था कि लॉस जो होगा, एनर्जी लॉस जो होगा, दैट इज यूज क्या होगा, दैट विल बी यूज टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, करने के लिए उसका यूज होगा एक्साइट करने के लिए। तो एक्साइट करने के लिए अब हम देख लें कि मैक्सिमम लॉस, सोच लें कि मैक्सिमम लॉस कितना होता है, और यदि वो मैक्सिमम लॉस ग्राउंड स्टेट और एनी एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो मैक्सिमम लॉस कब होता है, पहले वो हम मैक्सिमम लॉस कितना होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो मैक्सिमम जो लॉस है, वो लॉस जो है वो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्वल है क्या। यदि इक्वल होगा तो एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन ये जो क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन एटम जो होगा वो क्या करेगा, वो जो लॉस वाला जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट भी करेगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या होगा, जब कोलिजन होगा तो दो काम होगा, इसमें इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और दूसरा काम क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी ये जो एनर्जी गेन करके क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जंप कर जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस पहले हम कैलकुलेट कर लें तो अपने को मालूम चल जाएगा कि क्या होगा, एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा, है ना। यदि एक्साइटेशन नहीं हो रहा है तो कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि ये बोले है कि नहीं मुझे एनर्जी आपकी नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। अरे जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है, और जब उतनी एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तो क्यों एनर्जी लेगा। इसलिए नेचर ऑफ कोलिजन क्या होगा वो कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्साइट हो रहा है या नहीं हो रहा है ड्यू टू कोलिजन। तो पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है, मैक्सिमम लॉस हम सबसे लिख सकते हैं क्या होगा, इनपरफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन लॉस ऑफ क्या होगा, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया ना, क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस निकालेंगे। तो मैक्सिमम लॉस में क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, कोलाइड होंगे, और कोलाइड होने के बाद क्या होंगे, दोनों एक वेलोसिटी से क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। देखो ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी से मूव करेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, वी वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। यही होता है ना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ में आया ना। तो आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन किसी भी टाइप का हो क्या होता है, लिनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एफ एम वी नट इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी प्लस एम वी, ये क्या हो जाएगा, टू एम वी, ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई क्या हो जाएगा, टू। समझ में आया ना, क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी नट बाई क्या होगा, टू। आफ्टर कोलिजन क्या होंगे, ये दोनों जो क्या होंगे, दोनों जो मॉलिकुल्स होंगे, दोनों न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, वी नट बाई टू, इक्वल वेलोसिटी से क्या करेगा, दोनों न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन जो है वो मूव करने लगेगा। समझ में आया ना। अब क्या होगा, एनर्जी लॉस कितना होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तो एनर्जी लॉस, मैक्सिमम एनर्जी लॉस, यहां मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, के ई आई माइनस क्या होगा, के ई एफ, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे, हाफ
एम वी नट स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे एम प्लस एम बाई टू इंटू वी स्क्वायर इंटू, ठीक है, यही होगा ना मैक्सिमम लॉस। अब देखो यहां से मैक्सिमम लॉस हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसको हाफ एम वी नट स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, देखो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो एम वी नट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा फोर, ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना आएगा एम वी नट स्क्वायर बाई फोर, और इसको लिख सकते हैं के ई बाई क्या हो जाएगा टू, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस ठीक है इक्वल टू कितना हो जाएगा के ई बाई क्या हो जाएगा टू। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो लॉस जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, लॉस जो होगा वो क्या होगा लॉस, तो मैक्सिमम लॉस जो होगा आई मीन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है के बाई जीरो टू क्या हो सकता है के बाई टू, ये क्या होगा मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना होगा के बाई टू। यदि ये लॉस क्या होगा, ये वाला लॉस जो होगा ग्राउंड स्टेट और एनी एक्साइटेड स्टेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे एक्सएस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा, या यूं बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये जो एनर्जी लॉस है वो एनर्जी कहां यूज होगा, हीट के फॉर्म में, हीट में नहीं डिसिपेट होता है। मैंने क्या बताया कि देयर इज नो डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का या कोलाइडिंग पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो ड्यूरिंग कोलिजन हीट जो होगा वो जनरेट नहीं होगा। यहां क्या होगा, एनर्जी जो लॉस होगा वो किसके लिए यूज किया जाएगा, आइदर क्या हो सकता है एनर्जी लॉस हो भी सकता है और नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। यदि क्या होगा, ये जो लॉस एनर्जी है आई मीन जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए एक्साइट करने के लिए यूज हो रहा है देन ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कोलिजन ए कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या कंसिडर करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, समझ में आना, तो मैक्सिमम लॉस ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस जो होगा, लॉस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा, जीरो से इस जीरो से क्या होगा लेस देन क्या होगा, लेस देन क्या होगा के बाई टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जीरो, यही होगा ना ठीक है। अब क्या होगा, यहां लिख लेंगे क्या होगा कि देखो लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ ठीक है, इफ मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस इन क्या होगा इन के ई, के इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा ई, डेल्टा ई मैं क्या लिख रहा हूं कि एक्साइटेशन एनर्जी में बोल रहा हूं कि आई मीन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोल रहे हैं एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी ठीक है। तो क्या होगा इफ मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा ई, डेल्टा ई कैसे निकालोगे, वो एनर्जी दो लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस आई मीन ग्राउंड स्टेट एंड क्या होगा एक्साइटेड स्टेट के बीच का क्या होना होगा एनर्जी डिफरेंस होगा। तो यदि क्या होगा मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई को हम क्या बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, देन क्या होगा देन देन कोलिजन, कोलिजन विल बी क्या होगा विल बी ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एज वेल एज क्या होगा एडवांस के लिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो लॉस होगा वो यदि क्या होगा एक्साइटेशन एनर्जी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ
कि ग्राउंड स्टेट एंड एनी एक्साइटेड स्टेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा, तो कोलिजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। आई मीन हाइड्रोजन बोला है कि नहीं मैं ये एनर्जी जो लॉस है वो ले लूंगा और ले करके क्या करूंगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जितनी एनर्जी की जरूरत है एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए वो मुझे मिल गया है। ठीक है, इसके बाद बस यही है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, समझ में आया ना। सबसे पहला काम क्या है इसमें, मैक्सिमम लॉस निकाल लेना, उसके बाद देख लेना कि मैक्सिमम लॉस जो है वो क्या है, किसी एक्साइटेशन एनर्जी के क्या है, इक्वल है क्या। यदि है तो आंख बंद करके क्या बोल देना है कि जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। अब यदि लिख लें क्या कि इफ इफ क्या होगा, मैक्सिमम 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 लॉस इन क्या होगा, इन के ई इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई समझ रहे हो ना, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, देन क्या होगा, देन क्या क्या हो सकता है, देन कोलिजन क्या होगा, कोलिजन हाँ यहां परफेक्टली इफ मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज देन क्या होगा, कोलिजन विल बी ऑलवेज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, ये भी लिख लेना, एंड क्या होगा, इलास्टिक, ये मैं भूल गया, एंड इलास्टिक। अब बोला कि सर ये क्यों होगा, अरे मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है यार कि मैं हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा ना कि वो मैक्सिमम जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको लेगा या नहीं होगा। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो बोलेगा कि मुझे चाहिए ही नहीं है एनर्जी, तो जब चाहिए ही नहीं तो एनर्जी लॉस कितना हो गया, जीरो हो गया, और एनर्जी लॉस जीरो किस में होता है, इलास्टिक कोलिजन में। और दूसरा केस हो सकता है कि उसको बोलेगा कि नहीं, उसकी इच्छा हुई तो बोलेगा कि नहीं मुझे एनर्जी दे दो मैं एक्साइटेड स्टेट में चला जाता हूं, तो इसमें क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटी होगी, समझ में आया ना। तो इफ मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी, देन क्या होगा, कोलिजन विल बी ऑलवेज क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, समझ में आया ना। अब क्या होगा, देन कोलिजन मे बी क्या होगा, मे बी, अब एग्जाम्पल से मे बी इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। समझ में आया क्या, दो केसेस होंगे, इसको अब न्यूमेरिकल्स से हम देखते हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, मान लो कि क्या है, ये बात समझ में आया, बस दो ही पॉइंट। सबसे पहला काम क्या है इसमें, मैक्सिमम लॉस निकाल लो, मैक्सिमम लॉस चेक करना है कि मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी के क्या है, इक्वल है क्या। यदि एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल होगा तो आइदर क्या करेगा, वो कंप्लीटली एनर्जी लेकर के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी होगा कि बोलेगा कि नहीं मुझे इच्छा नहीं है जाने का, तो नहीं भी जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोलिजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यदि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डेल्टा ई, आई मीन एक्साइटेशन एनर्जी के क्या है, इक्वल नहीं है, देन कोलिजन में भी क्या होगा, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। समझ में आया ना, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, कंडीशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो, अब देखो जिसे एनर्जी दिया हुआ है यहां इस, देखो एग्जांपल देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये इसका मास क्या है, एम है, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन की मास नियरली क्या है, सेम होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, न्यूट्रॉन है, इसका भी मास क्या है, एम है, और इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ठीक है, इधर मूव कर रहा है, इससे क्या होगा, कोलाइड होगा। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि डिस्कस द नेचर ऑफ क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, डिस्कस द क्या होगा, द नेचर ऑफ क्या होगा, कोलिजन। समझ में आया, कोलिजन किस टाइप का होगा, नेचर का मतलब क्या हुआ कि आपको टाइप ऑफ कोलिजन बताना है। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना होगा, देखो तो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना होगा,
तो यहां हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जो लॉस होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, के बाई क्या होगा, टू होगा, अभी हमने देखा था, ठीक है, क्या होगा, के बाई टू होगा। तो लॉस, मैक्स लॉस कितना मिला, मैक्स लॉस इज इक्वल टू के बाई टू इज इक्वल टू क्या मिला, देखो कितना दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का कितना है 24.5, तो 24.5 बाई क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 12 पॉइंट है ना 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 12 पॉइंट क्या है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी हम कैसे चेक करेंगे ये तो मालूम, देखो ये क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये एन इक्वल टू 1, यहां एनर्जी का वैल्यू कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 में एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 में E2 इसको लिख दूं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 में एनर्जी E3 इज इक्वल टू क्या होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है 4, देखोगे n इज इक्वल टू 4 तो E4 इज में जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, E4 में जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। अब देखो तो इसमें इनके और इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है, एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, देखो तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 13.4 कितना हो जाएगा 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा, दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन यदि इतना एनर्जी क्या होगा उसको, इतना एनर्जी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो कहां से कहां जंप कर जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, उसी तरह इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा कैलकुलेट करो, तो आई थिंक कितना हो जाएगा 12.51, तो ये कितना हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना होगा 12.5, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6, 1 पॉइंट क्या होगा 51, ठीक है, तो ये तुम्हारा 9 और ये 0, 12.9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना आएगा, तो कितना हो जाएगा 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया बात, है ना, अब उसी तरह तुम निकाल सकते हो, लेकिन अपने को देखो क्या दिया हुआ है, 12 पॉइंट क्या है 25 है, तो तुम बताओ क्या होगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा, उसको एक्साइट होने के लिए आइदर इसमें और इसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत कितनी पड़ेगी 12.09, और क्या होगा 10 पॉइंट क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करेगा, इतना आइदर ए एनर्जी ले सकता है और क्या कर सकता है, ए एनर्जी क्या कर सकता है, ले सकता है ना, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या करेगा, वो छोड़ देगा एजिटीज, उसको एनर्जी नहीं चाहिए। तो कोलिजन का नेचर क्या हो सकता है, यहां पॉसिबिलिटी क्या है बता सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना है 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी कोलिजन का नेचर क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, क्या इन इलास्टिक, एक तो केस ये हो सकता है कि ये क्या करेगा कि पूरा एनर्जी क्या करेगा वो ले लेगा, ठीक है, इतने जितने एनर्जी की जरूरत है एक्साइट होने के लिए उतना इसमें से क्या करेगा एनर्जी ले लेगा, ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा एनर्जी क्या करेगा ले लेगा, और रिमेनिंग एनर्जी कहां चला जाएगा, उन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया ना, ये क्या करेगा एनर्जी जो होगा वो क्या करेगा कितना इतना ले लेगा, देखो मैक्सिमम लॉस कितना है 12.25, ठीक है, अपने को एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी कितनी जरूरत है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12.09 वोल्ट, तो देखो तो ये दोनों से क्या है बड़ा है क्या, इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा इतनी और इतनी एनर्जी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम लॉस नहीं किस एनर्जी में, लॉस किस में होता है इलास्टिक कोलिजन में, तो इसलिए क्या होगा कि यहां जो नेचर जो होगा कोलिजन का वो क्या होगा इलास्टिक होगा, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा इलास्टिक, ठीक है, क्या हो जाएगा इलास्टिक हो जाएगा, इनइलास्टिक, हेंस क्या होगा हेंस कोलिजन
इज क्या होगा, इन इलास्टिक। समझ में आया क्या, कोलिजन जो होगा क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। और ये बोल सकते हैं इलास्टिक भी पॉसिबल है, तो कोलिजन एंस कोलिजन में भी इलास्टिक, और क्या लिख सकते हैं, इज इलास्टिक एज वेल एज, क्या होगा, एज वेल एज इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कुछ भी हो सकता है। समझ में आया क्या, क्योंकि हो सकता है वो बोले कि नहीं मुझे एनर्जी लॉ आई मीन ये एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो जब नहीं चाहिए तो लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस समय कोलिजन क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। और जब उसको चाहिए तो इतनी एनर्जी तो नहीं चाहिए यार, कितनी एनर्जी एक्साइट होने के लिए चाहिए, ये चाहिए, तो जो रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा, आई मीन मैक्सिमम लॉस नहीं हो रहा है, मैक्सिमम नहीं लॉस हो रहा है, तो कौन सा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लो, ये देखो ये एनर्जी तुमको लिखने आना चाहिए कि ये कैसे एक्साइटेशन एनर्जी क्या क्या होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसके बाद देखो अबे चेक कर सकते हो तुम, देखो यहां क्या होगा, ये न्यूट्रॉन है, सेकंड एग्जांपल देख लो, एक बस यही है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है, ये न्यूट्रॉन, इसका मास क्या है, एम है, ये यहां क्या है, हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी मास क्या है, एम है, ये ग्राउंड स्टेट में, याद रखना क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 14 वोल्ट देखो, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद चेक करना है, ठीक है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और दिया हुआ है 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिया हुआ है 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्या है। तो तुमको ये बताना है कि डिस्कस द नेचर ऑफ क्या होगा, डिस्कस द क्या होगा, नेचर, नेचर ऑफ क्या होगा, कोलिजन, कोलिजन का नेचर क्या होगा, ये क्या करना है आपको, डिस्कस करना है कि कोलिजन किस टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या है, नाइट्रोजन। तो अभी हमने देखा था कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा, सॉल्यूशन देख लो पहले, मैक्सिमम लॉस निकालो। अब देखो क्या होगा, इफ क्या होगा, मैक्सिमम लॉस इफ के इक्वल टू, हमने पहले क्या कंसीडर करना है, 20. क्या होगा, 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, अभी देखा था ना, के बाई टू, तो कितना हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी हमने देखा था कि देखो यहां 2, अब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल टू 1, इसमें एनर्जी इवन मैं मान लू तो 13. क्या होगा, 6, ये क्या होगा तुम्हारा, n इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी E2 मान लू, ये कितना होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 10. क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हेंस इस केस में क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, देखो तो जितना मैक्सिमम लॉस है उतने ही क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है क्या, यर के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई, हेंस क्या होगा, हेंस कोलिजन क्या होगा, कोलिजन में भी क्या होगा, इलास्टिक और क्या होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि दो सिचुएशन होगा, आइदर क्या करेगा, टोटल एनर्जी लेकर के वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, सॉरी ये टोटल एनर्जी लेगा ही नहीं, तो जब नहीं लेगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एनर्जी जो लॉस जब जीरो हो जाएगा तो कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। दूसरा देखो कि इफ क्या होगा, इफ
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, 14 बाई क्या होगा 2, आई मीन 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो तो ये क्या है, ये एक्साइटेशन एनर्जी के क्या इक्वल है क्या, नहीं है ना, इक्वल नहीं है आइदर में फर्स्ट एक्साइटेशन, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी से ज्यादा भी होता तो हम सोच सकते थे। तो यहां सिंपल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, कोलिजन जो होगा क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि जितना इसको चाहिए एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी जाने के लिए वो है नहीं। ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको कितना चाहिए, 10 चाहिए, उसके बाद और भी बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कोलिजन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलिजन क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, 12, ये बहुत अच्छा, ये अभी देखो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 22 इलेक्ट्रॉन क्या है, वोल्ट है, ठीक है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस सिचुएशन में देखो तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बता सकते हो कि इसमें हम बोल सकते हैं, देखो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, 10.2, ये तो 10.2 से ज्यादा हो गया यार। तो यहां क्या होगा कि वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, ले लेगा और क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, चला जाएगा। तो यहां क्या होगा, hence कोलिजन इज क्या होगा, परफेक्ट, इज इनइलास्टिक, नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है, क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। उसके बाद जो एक 20 क्या है, यदि देखो कि k is equal to if क्या होगा, if k is equal to क्या है, 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा इस केस में, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 12. क्या होगा, 09 होगा ना, क्या होगा, 12. क्या होगा, 09। इसमें देखना क्या होगा, क्या होगा, समझ में आया ना, 12. क्या हो गया, 09। अब देखो क्या है, यहां अभी दो सिचुएशन है, ये क्या होगा, n इक्वल टू 1, इसमें e1, ठीक है, ये n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 2, और दिस इज क्या है, n इक्वल टू क्या है, 3। देखो इसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी चाहिए, 10. क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, अभी हमने देखा था शायद 12. ये होगा, है ना, 12.9 सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो तुम, है ना, 12.9 ही होगा, आई मीन 13.6 माइनस क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, है ना, 1.51, है ना, 12.9, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आइदर क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये टोटल एनर्जी क्या कर सकता है, इतना मैक्सिमम लॉस लेकर के क्या हो सकता है, यहां जा सकता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी भी हुआ कि नहीं, बोले कि नहीं मुझे टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, इस n इक्वल टू 2 एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, वो जंप कर जाएगा, सॉरी n इक्वल टू आई मीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, वो जंप कर जाएगा, सेकंड एक्साइटेड में भी जंप कर सकता है, और क्या हो सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। तो जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है, सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या, जब मैक्सिमम लॉस होगा तो क्या होगा,
इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा जब क्या होगा लॉस मैक्सिमम नहीं होगा तो क्या होगा इनइलास्टिक कोलिजन होगा और जब लॉस नहीं होगा तो कौन सा कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सा कोलिजन पॉसिबल है। केवल तुमको क्या करना है एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लो और लॉस कैलकुलेट कर लो, बस दो चीज यूज करना है इसमें। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं क्या कि कोलिजन में बी क्या होगा परफेक्टली इनइलास्टिक और क्या होगा और इनइलास्टिक। ठीक है, क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक और क्या हो जाएगा इनइलास्टिक। ठीक है, अब ये जितना एनर्जी लेगा उसका जो जितना एनर्जी लिया और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी क्या होगा इन दोनों हाइड्रोजन एटम और क्या होगा न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब आपसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अभी क्या है हमने क्या यूज किया था यहां न्यूट्रॉन। अब देखो यहां क्या होगा कोलिजन विथ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस जस्ट मैं तुमको बता दे रहा हूं कि क्या करना है। यहां देखो अगेन क्या है ए क्या है एच एटम है। ठीक है, इसका मास क्या एम है, इधर क्या है ये हीलियम आयन है। ठीक है, इसका सॉरी हीलियम हाँ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम आयन होता है तुमको मालूम है ना, चलो अल्फा पार्टिकल लिख देता हूं अल्फा पार्टिकल। इसका मास क्या होगा 4m होगा, ये तो तुमको मालूम है। ये मान लो कि इससे क्या हो रहा है कितने काइनेटिक एनर्जी के से क्या हो रहा है इससे कोलाइड हो रहा है। कोलिजन क्या है हेड ऑन कोलिजन, हमेशा याद रखना क्या होगा कोलिजन जो होगा वो क्या हो जाएगा हेड ऑन होगा। अभी देखो ये भी हो सकता है कि ये मूव भी करे, तो ऐसे मत सोचना मूव करेगा तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है वो मैं लिख देता हूं कि यदि दोनों हाइड्रोजन और ये क्या होगा दोनों मूव कर रहा होगा तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया था इलास्टिक कोलिजन में। देखो ध्यान से तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा इस केस में अगेन क्या होगा तुमसे ये पूछा जाएगा कि नेचर अब क्या होगा कोलिजन बताओ कि कोलिजन किस नेचर का होगा। अगेन क्या करना है सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द क्या होगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा अल्फा पार्टिकल सो दैट द हाइड्रोजन एटम विल गो इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आई मीन इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि आफ्टर कोलिजन जो हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए कहां चला जाए या इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन एटम का वो कहां चला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। देखो ये हाइड्रोजन एटम भी है और हाइड्रोजन लाइक एटम दोनों के लिए क्या है ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी अलग अलग होगा, ये वाला एनर्जी डिफरेंस जो अभी हम लिख रहे थे वो नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये क्या है जस्ट बिफोर कोलिजन और ये क्या होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या होंगे देखो अल्फा पार्टिकल अल्फा 4m ये क्या होगा इधर v वेलोसिटी से मूव करेगा और हाइड्रोजन भी है वो भी क्या होगा इधर v वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। कब किस कोलिजन में मैक्सिमम लॉस के लिए हमको क्या करना है मैक्सिमम लॉस निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस के कोरेस्पोंडेंस उन कौन सा कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा देखो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो तो फ्रॉम कंजर्वेशन अब क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा पी एफ ये कितना हो जाएगा देखो तो 4m v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 4m v प्लस क्या होगा
एम वी, और वी इज इक्वल टू क्या होगा, फोर वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। उसके बाद तुम यहां से ही कैलकुलेट कर सकते हो कि मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये कितना होगा, तो देखो क्या होगा, के ई आई माइनस क्या हो जाएगा, के ई क्या होगा, एफ। ठीक है, ये मैंने बताया भी था, देखो क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो, वन बाई टू क्या होगा, वन बाई टू फोर एम इंटू क्या होगा, एम अपॉन क्या हो जाएगा, फाइव एम, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो कितना होगा, तो यहां देख सकते हो कि वन बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर इंटू क्या होगा, फोर बाई क्या हो गया, फाइव। ठीक है, यही क्या होगा, फोर बाई फाइव होगा। ठीक है, तो देखो यहां से ये मालूम चल गया कि मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फोर बाई फाइव, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, अब क्या है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब आपको के का वैल्यू दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा कि आप नेचर डिस्कस करो, तो अगेन क्या होगा, अब तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि अब देखो ये क्या होगा, मैक्सिमम लॉस जो होगा वो एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो कोलिजन क्या होगा, अगेन क्या होगा, कोलिजन जो होगा वो क्या होगा, परफेक्टली क्या है, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। यदि क्या होगा, ये जो एनर्जी है, आई मीन वो क्या हो जाए, एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल नहीं हो, आई मीन फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के ही इक्वल नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिजन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ इफ के ई लॉस मैक्स लॉस इन के ई, के इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई क्या हुआ कि एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, देन क्या होगा, देन कोलिजन, कोलिजन विल बी क्या होगा, विल बी क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो कि ध्यान देना ये क्या होगा, कि इफ क्या होगा, इफ मैक्स लॉस, मैक्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा ई वन। ठीक है, डेल्टा ई वन क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट एक्साइटेशन। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी फॉर क्या होगा, फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यदि क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो क्या होगा, देन क्या होगा, देन कोलिजन क्या होगा, कोलिजन, कोलिजन में भी क्या होगा, में भी इलास्टिक, और क्या होगा, और इनइलास्टिक। ठीक है, समझ में आया ना, आई मीन हम बोल सकते हैं क्या, ऐसे बोल सकते हैं, नॉट इक्वल, यदि ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, कोलिजन में भी क्या होगा, इलास्टिक और क्या होगा, इनइलास्टिक, दो ही पॉइंट क्या करना है, तुमको याद रखना। अब इस क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए तुमको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी,
कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, 10 पॉइंट क्या होगा, सॉरी हाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ई मिनिमम फॉर क्या होगा, फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहां क्या है 5/4 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पॉइंट कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां से तुम के ई ठीक है के मीन का वैल्यू लिख सकते हो 10.2 इंटू 5 अपॉन क्या लिख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करोगे तो ठीक है क्या आएगा, हाँ इसको कैलकुलेट कर लो तो ठीक है ये कितना आएगा देख ले यहां के ई क्या हो जाएगा मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा चला जाएगा। ठीक है, कौन से एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा चला जाएगा। समझ में आया, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे और क्या करना है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद हम एक्सरेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।